देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। जी अगेंस्ट वेमेन रेप इट्स नॉट ओनली अबाउट। अच्छा आप सिर्फ वुमेन सिक्योरिटी से रिलेटेड आई थी यहाँ पर? इट्स नॉट ओनली इट्स अबाउट एवरी रेप दैट इज हैपनिंग। आप क्या करते हो? पास्ट 2012। आप क्या करते हो? मैं जॉब करती हूँ। दिल्ली में ही रहते हैं? कहाँ पर? अच्छा डिस्क्लोज। आप इस घटना से क्या बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट हो गई, शॉक्ड हैं और इस वजह से आई? इंडिविजुअल आप आई, किसी ग्रुप से तो आप नहीं ताल्लुक रखती हैं? कोई ग्रुप से ताल्लुक क्या? आप किसी न्यूज़ या इंफॉर्मेशन को देख के उस इंसिडेंट को लेके यहाँ पे आई, आपको लगा कि आप? मैंने बहुत मैंने आज तक इंस्टा पे कोई आज तक कोई मैंने रेप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं किया क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को यूजुअली इग्नोर करती हूँ। तो पुलिस जब आपको यहाँ पे लेके आएंगे आपने क्या कह के यहाँ पे लेके आएंगे कि आपके पास परमिशन नहीं है या आप प्रोटेस्ट कर रही हैं तो आप पहले थाने? नहीं मगर काफी जबरदस्ती से वो लेकर आपको लेकर आ रहे थे। आपके हाथ में देखा चोट भी लगी हुई है आपके? अच्छा पुलिस के बारे में भी कुछ नहीं बना। ठीक है मैम, आप यहाँ पे सुबह आई हैं, अनु जो है एक लड़की है स्टूडेंट है यहाँ पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको पुलिस ने डिटेन किया, मारपीट भी हुई। आपने बोला क्या अंदर क्या स्टेटस? अनु दुबे को हमने मदद करी है, अनु दुबे ने अभी कंप्लेंट फाइल करी है और मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या स्थिति है। उस लड़की को इतनी बुरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने मारा, उस लड़की को एक बिस्तर पे जो अंदर पुलिस स्टेशन में वहाँ पे धकेला गया, वहाँ तीन तीन पुलिस ऑफिसर्स जो कि महिला है वो उसके ऊपर चढ़ गई, थप्पड़ मारे गए, खरोचा गया, पूरी बॉडी पे उसके निशान है और डराया धमकाया गया कि अब तेरी हिम्मत हो गई ना प्रोटेस्ट करने की, अब हम तुझे बताएंगे। ये करती है दिल्ली पुलिस। अरे उस लड़की का दोष क्या है? वो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रही थी, पूरा देश उबल रहा है, सबको गुस्सा आ रहा है, हमको गुस्सा आ रहा है। एक तेलंगाना में एक लड़की को गैंगरेप कर देते हैं, जला देते हैं, उसके बाद मंत्री ये कहता है कि हाँ 100 नंबर पे कॉल नहीं करी लड़की ने। तो मतलब इतने बुरे हाल में अगर वो अपने नेताओं से लड़की अनु दुबे पूछ रही थी कि क्यों सोते रहते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते, तो क्या गलत कर रही थी? चुपचाप थी ना। ऐसे में दिल्ली पुलिस का ये एक्शन बहुत ही शर्मनाक है। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन नोटिस इशू कर रहा है दिल्ली पुलिस को एंड वी वांट अर्जेंट एंड इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट दोज ऑफिसर्स। मैम अभी एक बार फिर बहुत ही शर्मनाक बात है कि इस तरीके से हैदराबाद में हुआ है, तेलंगाना में जो केस हुआ है, बट आपको लगता है कि कोई इसके लिए स्ट्रिक्टर लॉज की जरूरत है? क्योंकि निर्भया के हम लोग जो कॉन्विक्ट्स को देख रहे हैं उनको अभी भी फांसी नहीं हुई है, उनकी जो माता जी है जो मदर है उनकी कंटिन्यूसली वो याचिकाएं दायर करती जा रही है, बट आपको लगता है कि कुछ होने वाला है इससे रिगार्डिंग और डू वी नीड स्ट्रिक्टर लॉज? मैं 10 दिन के अनशन पे बैठी थी, उस अनशन के बाद देश में एक कानून बना कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को तो कम से कम 6 महीने में फांसी की सजा दी जाएगी। आज तक वो कानून भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो कानून तो जी इतने सारे हैं ना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता ना, तो पुलिस के संसाधन बढ़ाती सरकारें, ना पुलिस की जवाबदेही तय करती, ना फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाती, ना फोरेंसिक्स बनाती। तो इशू ये है कि जैसे ही इस तरीके के रेप होते हैं, चार अरेस्ट कर दो, मीडिया में दिखा दो, हाँ जी हमने अरेस्ट कर दिया, वो उनको छोड़ देते हैं। निर्भया की जो माँ है वो दर दर की ठोकरें खा रही है, उस तक को आज तक न्याय नहीं मिला क्योंकि जो सिस्टम है उसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल जीरो है। तो इसके लिए सीधे सीधे सरकारें जिम्मेदार है और इसीलिए अनु दुबे जो आज करने गई थी वो सही है, क्योंकि पार्लियामेंट से पूछना पड़ेगा, इन नेताओं से पूछना पड़ेगा। आपके घर में कभी कुछ होगा तब आपको पता चलेगा कि क्या दर्द होता है क्या।